कीर्तन की एक प्रथा शुरू हुई सिखिज्म में। नानक पोएट है, बाणी लिखते हैं और उनके जो पहले खूबसूरत डिसाइपल जो उनके मित्र भी हैं, शायद मित्र पहले हैं डिसाइपल बाद में हैं, क्योंकि दोनों एक ही गांव में पले बड़े। भाई मर्दाना, भाई मर्दाना रागों में परागत है, उनकी पूरी म्यूजिकल ट्रेनिंग हुई है, रागों के माहिर हैं। नानक साहब को भाई मर्दाना ने राग सिखाए। नानक तो लिखते हैं, अब एक कीर्तन की परंपरा शुरू की नानक ने। चलते गए गांव से गांव और भाई मर्दाना रबाब बजाते गए, नानक गाते गए और कीर्तन की एक परंपरा शुरू हुई। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ दूर से देखने में आज तक आप सबको, हम सबको कीर्तन कीर्तन लगे, शब्द गुरुवाणी लगे, राज है इसके अंदर बहुत गहराई का। क्या है कीर्तन और देखना नानक की गहराई इसके अंदर, ना देखना कहां जाके ह्यूमन साइकोलॉजी पे नानक ने काम किया। नोटिस दैट व्हाट इज अ कीर्तन, इट्स अ सॉन्ग और या एक पोयम है या कुछ लाइनें हैं प्रेज की, प्रेज की कुछ पंक्तियां हैं। अगर आप कीर्तन सुनोगे गुरुवाणी के तो वो परमात्मा की प्रेज की पंक्तियां हैं। कीर्तन आर नथिंग बट प्रेज इज ऑफ द गॉड। और नानक ने कहा उस पूरे परंपरा की स्थापना की जहां हर आदमी कीर्तन गाए, हर गुरुद्वारा आज कीर्तन गाता है। गहराई है इसके अंदर एक पॉइंट। क्या आप और मैं लोगों की प्रेज करते हैं? क्या हम लोगों की प्रेज करते हैं? डू वी हैव द कैपेसिटी टू प्रेज पीपल? डू वी डू दैट? रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर ओन लाइफ। हम क्या करते हैं दूसरे के प्रति ज्यादा, बुराई या प्रेज? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। जब हम दो लोग, तीन लोग, चार लोग इकट्ठे होते हैं तो हम पांचवें की प्रेज करते हैं या टांग खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बुराई करते हैं? अमूमन मैंने देखा, आई डोंट नो आपका अनुभव क्या है, अमूमन मेरे देखे जब दो तीन चार पांच दोस्त मिलते हैं तो किसी और की बुराई करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, प्रेज नहीं करते। वी थिंक इट्स नॉर्मल। गहराई, हाँ, साधना की गहराई। क्यों प्रेज नहीं करते हम किसी की? क्यों हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि जब भी मैं आपसे बात करूंगा मैं किसी की तारीफ की बात करूं? क्यों नहीं करते? ये कल्चर क्यों नहीं, ये हमारी कैपेसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि किसी की बढ़ाई करने के लिए आपकी ईगो को लोअर होना पड़ेगा, आपके अहम को बैक सीट लेनी पड़ती है। क्योंकि अभी तक तो मामला ऐसा है कि भाई हम स्वयं की बढ़ाई करते हैं और सामने वाले की प्रेज नहीं करते, अपनी बढ़ाई और उसकी बुराई, अभी तक ऐसा मामला है। क्योंकि किसी की बढ़ाई करने के लिए अपनी ईगो को घटाना होगा, ईगो सेल्फ, सारे जो फसाद की जो जड़ है, मैं भाव। नानक ने बात पकड़ ली, नानक ने बात समझ ली, नानक को समझ में आ गया कि माइंड को कंट्रोल करना होगा, माइंड को ट्रेन करना होगा प्रेज करने के लिए। और नानक को समझ में आ गया कि अगर आदमी में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी की तारीफ करे, किसी और व्यक्ति की तारीफ करे, तो परमात्मा की तारीफ भी कैसे कर पाएगा? हमारे बिहेवियर तो कॉमन है, जैसा मेरा बिहेवियर आपके प्रति होगा वैसा ही मेरा बिहेवियर परमात्मा के प्रति होगा। इंटरनली दो तो हो नहीं सकते बिहेवियर। तो नानक ने ये खूबसूरत एक तरीका बना दिया, इसका नाम दिया उस्तत। पंजाबी में बोलते हैं उस्तत, ये भी संस्कृत शब्द से निकला, संस्कृत का एक शब्द है स्तुति, स्तुति मतलब प्रेज, वहां से पंजाबी का शब्द है उस्तत। तो कीर्तन की स्थापना हुई वहां पे, नानक ने पूरी संगत को, पूरे समाज को, लोगों को जोड़ना शुरू किया, खूबसूरत पोएट्री लिख के और खूबसूरत रागों के माध्यम से कीर्तन का कल्चर बनाया। कि चलो लोगों को फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि सामने वाले की स्तुति करना थोड़ा मुश्किल है, सामने वाले व्यक्ति की उस्तत करना थोड़ा मुश्किल है, हाँ मगर परमात्मा की उस्तत की जा सकती है।
तो नानक ने ये कीर्तन का माध्यम खोजा, क्योंकि हृदय को खोलने के लिए और माइंड को सबड्यू करने के लिए, हृदय को खोलने के लिए और ईगो को सबड्यू करने के लिए, हृदय को खोलने के लिए और अहम को सबड्यू करने के लिए प्रेज करनी होगी, तारीफ करनी होगी, स्वयं को पीछे हटा के हृदय को खोल के तारीफ करनी होगी, स्तुति करनी होगी, उस्तत करनी होगी। तो कीर्तन का कल्चर शुरू किया। और ये गारंटी है बात कि जिस दिन तुमने ऑथेंटिकली जेन्युइनली स्तुति करनी शुरू की, उस्तत करनी शुरू की, कीर्तन करना शुरू किया जेन्युइनली, कि जब तुम परमात्मा का कोई कीर्तन गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं तुम्हारे और तुम पूरा लीन हो उस कीर्तन के अंदर, तुम तहे दिल से उस कीर्तन को गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, जब ये प्रैक्टिस बन जाएगी तुम्हारी, जब ये स्वयं से होने लगेगा कि कीर्तन प्रेज हुआ नहीं, जैसे रामकृष्ण के साथ होता था, रामकृष्ण के सामने अगर तुम कृष्ण की या राम की या काली की तारीफ कर दो, स्तुति कर दो, उस्तत कर दो, रामकृष्ण लीन हो जाएंगे उसमें। और ये मेरा भी अनुभव है कि अगर परमात्मा की स्तुति और उस्तत करना तुमने एज एक डिसिप्लिन, एक प्रैक्टिस बना लिया और तुम्हारा मोहब्बत हो गई इस बात से, कीर्तन करने से, उस्तत करने से अगर तुम्हारा, तुम्हारी लिव लग गई, तुम्हारा लगाव हो गया अगर इस प्रोसेस से, तो बहुत जल्दी शीघ्र ही अब ये उस्तत, ये स्तुति फैलने लगेगी। अभी सिर्फ परमात्मा तक सीमित नहीं रहेगी, परमात्मा निरंकार अनसीन, अब ये सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहेगी, अब ये सीन में भी आएगी, आकार में भी आएगी। अब तुम स्तुति करने लगोगे कोई, अब तुम उस्तत करने लगोगे लोगों की, पेड़ों की, वृक्षों की, पानियों की, झीलों की, झरनों की, जानवरों की, इंसेक्ट्स की, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। ये स्तुति, ये उस्तत, ये स्प्रेड होने लगेगी। जो परमात्मा से शुरू हुआ वो परमात्मा की सृष्टि पे छाने लगेगा, तुम्हारी स्तुति वहां छाने लगेगी। क्योंकि परमात्मा की स्तुति करना आसान है, आदमी की स्तुति करना मुश्किल है, किंतु परंतु ईगो, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब उसमें आ जाता है। तो नानक ने एक बहुत खूबसूरत ह्यूमन साइकोलॉजी की डेप्थ को समझते हुए ये कीर्तन, ये स्तुति, ये उत्सत, ये प्रेजेस की एक परंपरा शुरू की, जो आज तक चले जा रही है। मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूँ जिन्हें नानक की टीचिंग के बारे में, सिख धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, हाँ, मगर उनको गुरुद्वारे में जाके कीर्तन सुनने में बड़ा आनंद आता है। ये हुक, ये हुक मेरे देखे, बहुत लोग नानक की टीचिंग से प्रभावित हो गए, उन्होंने नानक की टीचिंग को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, और ये कहानी उनकी शुरू हुई थी कीर्तन से। किसी रोज, किसी दिन कुछ कीर्तन की चार पंक्तियां, कुछ रागों के कुछ अलाप उनके भीतर पड़ गए थे, यात्रा शुरू हुई। सो फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर, इसको हम बोल सकते हैं कीर्तन का रहस्य,